जो है वो 10^-4 टेस्ला होती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि एक गॉस में 10^-4 टेस्ला होता है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट यानी कि अल्फा पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग्स कनेक्टेड टू द कॉइल इफ अ करंट ऑफ 0.20 mA प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 degrees। ठीक है, तो ये हमको पूरा दे रखा है इसमें सारी वैल्यूज। ठीक है, और इसमें आप देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 × 10^-4 m², रेक्टेंगुलर कॉइल का जो एरिया है उसको हम कैपिटल ए लेते हैं, कितना दे रखा है 5 × 10^-4 m² एंड 60 टर्म्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं। About one of its vertical sides, the coil is in a radial horizontal field of 90 cos. Radial field, हमने देखा ना गैल्वेनोमीटर में radial field का। radial field किस तरीके से था, मतलब हमने जो magnet है magnet को इस तरह से बना रखा। ठीक है, तो जो field create हुआ था वो straight lines ना बनकर सारी की सारी उस पर जो है perpendicularly drop कर दी थी, मतलब जो circular coil होगा उस पर। तो radial field का मतलब कुछ नया नहीं है, मतलब field है, magnetic field की बात है। कितना दे रखा है, दे रखा है 90 cos। G is for cos, और इसका मतलब क्या होता है, इसको लिखें 90 × 10^-4 tesla। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 cos = 10^-4 tesla। अच्छा, फिर है व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द हेयर स्प्रिंग्स, अल्फा पूछ रहे हैं। इफ अ करंट ऑफ 0.20 mA प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 18 degrees। प्रोड्यूसेस एन एंगुलर डिफ्लेक्शन, अच्छा टॉर्शनल कांस्टेंट के पूछ रहे हैं कि एंगुलर डिफ्लेक्शन तो अल्फा होता है, वो दे रखा है 18 degrees। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास के इज इक्वल टू, ये पूछ रहे हैं NIBA। ठीक है, वैल्यूज डालो आंसर निकल सीधा। अब N कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 60, इनटू I कितना है 0.20 mA। तो भाई मिली को मिली हटा देते हैं, मिली का मतलब होता है 10^-3, 0.20 × 10^-3 mA। B कितना है 90 × 10^-4, और A कितना है 5 × 10^-4, और अल्फा है 18 degrees। बहुत अच्छी वैल्यू थी, 18 × 5 = 90 होते हैं, है ना, तो डिवाइड करने का जो झमेला है वो खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा अब जो ये 0.20 दे रखा है, तो पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 20 × 5 = 100, और 5 से 5 भी कट गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, 60 × 5 = 300, 10^-3 − 4 − 4, तो −11 हो गया, 10^-11। अब ये 300 है, बड़ा नंबर है, अगर इसको छोटा कर दें तो ये जो पावर है ये बड़ी हो जाएगी, बड़ी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 × 10^-9, 3 × 10^-9, और इसका यूनिट क्या होगी इसकी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है मूविंग
coil meter has the following particulars. Moving coil meter has the following particulars: number of turns, capital N, is equal to 24. Area of the coil is equal to 20 × 10⁻³ meter square. Magnetic field strength, Tesla में दे रखी है 0.20 Tesla. Resistance of the coil R is equal to 14 ohms. अब first part में बोल रहे हैं indicate a simple way to increase the current sensitivity of the meter by 25%. ठीक है, और bracket में लिख भी दिया है it is not easy to change A or B. तो area किसका, coil का. कॉइल का एरिया चेंज करना आसान नहीं थी, आपको कॉइल ही चेंज करनी पड़ेगी, निकाल कर उसको पोल कर करना पड़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना आसान नहीं है, आपको मैग्नेट के दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल दोनों निकाल कर ही चेंज करने पड़ेंगे. वो बोल दिया उन्होंने कि आप एरिया ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज करने की मत सोचो. क्या बढ़ाना है, इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर बाय 25%. तो करंट सेंसिटिविटी को 25% आपको बढ़ाना है. तो एक सिंपल सा तरीका बता रहे कैसे बढ़ाएंगे 25%. कभी भी अगर ये कहा जाता है ना, मान लीजिए न्यूज़पेपर में हमने खबर पढ़ी या ऑनलाइन खबर पढ़ी कि गोल्ड का रेट जो है वो 10% बढ़ गया, ठीक है, या 5%, अभी तो कम हुआ है ना कि 5% कम हो गए. अगर हम इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, तो हमें बस इतना देखना है कि उसमें जो चेंज हो रहा है वो बढ़ना और घटना वो दूसरी चीज़ है. हमें अगर परसेंटेज चेंज की बात करनी है, अगर परसेंटेज चेंज नेगेटिव में आ रहा है ना, मान लीजिए -5% आ रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा 5% डिक्रीज हो रहा है. और अगर +5% आ रहा है तो मैं समझ जाऊँगा +5% का मतलब क्या है कि वो 5% इंक्रीज होगा.
तो सोचो कि एक कोई छोटा बच्चा है, उसकी एज 10 साल है और उसकी एज 15 साल होगी, 5 साल बाद 15 साल होगी, ठीक है। तो ये कहेंगे कि भाई 5 साल में इसकी एज में इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो हम ये कह सकते हैं 5 साल का इंक्रीमेंट हुआ नहीं, परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज में कभी भी किसी भी चीज़ का रेट ऑफ चेंज परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है, आप ये कहेंगे कि परसेंटेज चेंज, इसको चाहे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, भूल जाएंगे सभी बच्चे, ये कैसे निकलता है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो वो हो गया कि भाई चेंज कितना हुआ है, अपॉन ओल्ड वैल्यू, अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ऐसे करिए। तो जैसे मैंने एक बच्चे का एग्जांपल दिया कि भाई पहले उसकी एज 10 साल थी, फिर 15 साल, अभी नई एज कितनी, 15 साल, ओल्ड एज कितनी थी 10 ईयर्स, डिवाइडेड बाई ओल्ड एज मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 10 से 10 ये आंसर आपको दिया 15 माइनस 10 इज 5, 5 इंटू 10 50% इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गई। और ये वैसे भी समझ में आ रहा है 50% कैसे इंक्रीज हुई, पहले 10 साल का था, 10 साल का 50%, 50% कितना होगा 5 साल, 5 साल ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से ये लॉजिक लगाना, याद रखना परसेंटेज चेंज जब भी कभी आएगा तो आपको क्या करना है, जो न्यू वैल्यू है माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100, ये कर देना। तो अब मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ पर हमको इसकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो करंट सेंसिटिविटी पहले ओरिजिनल वाली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर वाई एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ करंट्स कितने दे रखे हैं, 24, लिखो लिखो यहाँ पर 24, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो ए और यहाँ लिखो के, मैं बी और ए में और के में चेंज ही नहीं कर रहा, है ना। मुझे सबसे आसान क्या दिखाई दे रहा है कि ये टॉर्शनल कांस्टेंट घटा दो, अरे टॉर्शनल कांस्टेंट तो मटेरियल डिपेंडेंट होता है ना, इसका मतलब क्या है कि मटेरियल ही चेंज करना पड़ेगा आपको, वो जो हेयर स्प्रिंग है उसी का तो होता है टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है, तो वही चेंज करना पड़ेगा। तो भाई इन दोनों के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं कर सकते चेंज, है ना, और ये मैं करूँगा नहीं चेंज, ज़्यादा आसान क्या, नंबर ऑफ टर्न्स घटा दो या बढ़ा दो, तो दिखाई दे रहा है करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो जब मैं इनको चेंज ही नहीं कर रहा तो मैंने इनको एज इट इज छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सपोज दैट वी हैव, सपोज दैट वी हैव इंक्रीज, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स टू एक्स टर्न्स, we have increased the number of turns to x turns, then new current sensitivity becomes, इसको क्या बोलेंगे, is dash, ये क्या हो जाएगा x n b a, है ना। आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहे हैं, आप एरिया ऑफ द कॉइल वो चेंज नहीं कर रहे हैं, आप टॉर्शनल कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आपका नया जो करंट सेंसिटिविटी है वही आ गई एक्स बी ए अपॉन के, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये बता रहा है इधर से पच्चीस परसेंट इंक्रीज करना चाहते हैं ना करंट सेंसिटिविटी, क्या क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे न्यू आई एस माइनस ओल्ड आई एस अपॉन ओल्ड आई एस इंटू 100 इज इक्वल टू 25 25% बढ़ाना चाहते, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज ऐसे ही निकलता है, अब न्यू आई एस मतलब आई एस डैश माइनस आई एस अपॉन आई एस 200 25, ये हो गया। तो एक्स बी ए अपॉन के माइनस 24 बी ए अपॉन की अपॉन
24 dA बॉम्ब के इनटू 100 इसे इक्वल टू 25 dA अपॉन के न्यूमरेटर से कॉमन लो, क्या बचा x माइनस 24 dA अपॉन के डिनोमिनेटर में कॉमन तो क्या लेना अलग ले लिया बस 24 मल्टीप्लाइड बाय 100 डी अकाउंट जैसे डी अकाउंट की कंसर आउट हो गए ठीक है और टू पंजा या छोड़ देगा 24 को भी ऐसे करने को 25 फोर 100 4 6 24 तो क्या आ गया एक्स माइनस 24 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 इसको उधर ले जाओ एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 6 एक्स इज इक्वल टू 30 लिखिएगा इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाय 25% वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 30 नंबर ऑफ टर्म्स आपको पहले 24 थे नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 6 बार और आप लपेटा लगा ठीक है तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई ठीक है। अच्छा जी अगला देखिएगा अगले में क्या बोला है हमने इफ इन डूइंग सो मतलब आप ये जो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा रहे हैं इफ इन डूइंग सो द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीजेस टू 21 ओम। अगर कॉइल का रेसिस्टेंस जो है वो बढ़कर 14 ओम था पहले और वो बढ़कर जो है वो 21 ओम हो जाता है फिर वो पूछ रहे हैं कि इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेस देन द ओरिजिनल मीटर। तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगी ना जो मीटर आपने मॉडिफाई कर दिया तो करंट सेंसिटिविटी तो आपने 25% बढ़ा दी तो वो कह रहे हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो ओरिजिनल मीटर से ज़्यादा आएगी या कम आएगी ये बताना ठीक है। अभी देखते हैं जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी तो इसी तरीके से निकालते हैं जैसे करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू अल्फा अपॉन I है वोल्टेज सेंसिटिविटी V अपॉन I हो जाता है ठीक है V अपॉन I करो सॉरी अल्फा अपॉन V हो जाता है। तो सबसे पहले निकालेंगे जो ओरिजिनल हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी थी वो क्या होगी तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखेंगे कि VS इक्वल टू अल्फा अपॉन वी अब वी क्या होता है भैया VS is equal to alpha upon I into 1 upon R बोल दो ठीक है alpha upon I। अब alpha upon I क्या है करंट सेंसिटिविटी हमारे पास ये 24 dA upon K तो 24 dA upon K into 1 upon 14 originally resistance कितना था 14 ohm था ठीक है तो ये हमारी ओरिजिनल वोल्टेज सेंसिटिविटी है। मैं इसमें बी ए और के की वैल्यू डाल सकता हूँ ज़रूरत नहीं है मेरे को उसकी मैं डाल लिया ठीक। अच्छा जी ये हो गया इसको तो दीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करेंगे कि न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल दिया VS डैश कैसे निकलेगा अल्फा VS डैश न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी
जैसे कि अल्फा अपॉन बी था, यहाँ बोल दो अल्फा अपॉन बी डैश, अल्फा अपॉन बी डैश, अल्फा अपॉन बी। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे ये अल्फा अपॉन आई आर करा था, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा अल्फा अपॉन आई आई डैश निकलेगा इसको, अल्फा अपॉन आई डैश और इंटू वन अपॉन आर डैश, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर अल्फा अपॉन आई, ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक्चुअली करंट सेंसिटिविटी है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं आई एस डैश लिख सकता हूँ, आई एस डैश इंटू वन अपॉन आर डैश। हाँ जी, आई एस डैश कितना था लिख देते हैं यहाँ पर 30, अब तो एक्स की वैल्यू पता चल गई ना, तो 30 बी ए अपॉन के, 30 बी ए अपॉन के इंटू वन अपॉन कितना, 21 होती है, चेंज वगैरह भी निकाल है, हमें तो बस ये देखना है कि वैल्यू ज़्यादा आ रही है कम आ रही है। ये मॉडिफाइड मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ये ओरिजिनल मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी है। एक काम करते हैं, इसको वी एस डैश को मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब एक काम करेंगे, ये जो वी एस है इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में ऐसे करेंगे वी एस इज इक्वल टू हो जाएगा 24/14 मल्टीप्लाइड बाई बी ए अपॉन के, समझ गए, 24/14 मल्टीप्लाइड बाई बी ए अपॉन के। अब ये देख लो करके कितना है, ठीक है, और इसको ना पॉइंट्स में करेंगे, रेशियो में नहीं निकालते, पॉइंट्स में निकालेंगे। 14 × 14 = 28 होता है, 14 × 14 तो 24 − 14 आ गया 10, 10 के आगे 0 लगाया 100 हो गया, और 48 × 96 तो 48 × 96। अब 100 जो है, सॉरी 14 × 7 = 98 होता है, 14 × 8 = 112, तो 14 × 7 = 98 हो गया, तो वो 2 आ गया, 2 क्या हो गया 20 लगा, फिर 14 × 14 बस इतना करके छोड़िए, ये आ गया 1.71 इंटू बी ए अपॉन के, ठीक है। ये तो बी एस है, अब ऐसे ही आप बी एस डैश निकाल लो, बी एस डैश में हो जाएगा 30 × 21 तो बी ए अपॉन के 3 × 7 = 7, ठीक है, बड़ा क्लोज कॉम्पिटिशन है दोनों, 7 × 7 10 − 7 = 3, 3 × 0 = 30, 7 × 4 = 28, ठीक है, और 30 − 28 = 2, 2 × 20, 7 × 2 = 40, ठीक है। तो पहले वाले की ज़्यादा थी, 1.42 इंटू बी ए अपॉन के, ठीक। तो कई बार क्या गलती हो जाती है बच्चों से, कि जब करंट सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि ओम्स लॉ में पढ़ा था वोल्टेज और करंट डायरेक्टिविटी अलग चीज़, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल मीटर है वो है 1.42 इंटू दैट सेम टर्म, और पहले वाले में 1.71 इंटू दैट टर्म, तो ये बड़ा टर्म हो गया, तो हम ये लिखेंगे ये भी वी एस डैश इज लेस देन वी एस, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी of modified meter decreases
हाँ जी, पेज नंबर 42 पर आ जाइए। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करा जा सकता है, मतलब गैल्वेनोमीटर की हेल्प से करंट जो है ना, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, किसी भी डिवाइस में करंट को कर रहा है या नहीं कर रहा वो डिटेक्ट करना। हम उससे करंट की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे लगाएंगे, एक मिनट वेट करिए। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, यानी
Ammeter is a device used to measure current through a circuit element. Ammeter is designed to have very small effective resistance. In fact, an ideal ammeter should have zero resistance. तो हम कैसा होता है, एन एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट. किसी भी एक सर्किट एलिमेंट में से एक करंट को मेजर करने का काम एमीटर करता है, और एमीटर इस तरह से डिजाइन करा जाता है कि उसका खुद का रेजिस्टेंस ना के बराबर हो, ताकि ऐसा ना हो कि एमीटर खुद ही करंट को कंज्यूम करने लगे अपने अंदर. टू यूज गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर कॉइल. तो गैल्वेनोमीटर के साथ में एक छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ताकि वो एमीटर की तरह बिहेव कर सके. द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन दिस वे इज कॉल्ड अ शंट. तो ये जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं उसको शंट कहा जाता है. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड रिमेनिंग करंट पासेस थ्रू द शंट. ठीक है, तो डायग्राम देख लीजिए इसका. कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर. तो एमीटर बनाने के लिए जैसे मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, उसको हमने जी लिखकर रिप्रेजेंट कर दिया. स्मॉल वैल्यू का रेसिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं, वो इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है. अच्छा, यस आई आई जी आई माइनस आई जी क्योंकि स्मॉल वैल्यू का हमने बहुत स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो करंट की ये टेंडेंसी है कि करंट जो है ना वो फ्लो होना चाहता है, रुकना नहीं चाहता. ठीक है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, करंट को रोकने का काम होता है, करंट को अपोज करने का काम होता है. तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना कम रखा गया, गैल्वेनोमीटर से बहुत कम रखा गया है. तो क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो ज़्यादातर जो ज़्यादा करंट है वो इसमें फ्लो करेगा. ठीक है ना, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा ही नहीं कर रहा रास्ते में, तो सारा करंट इधर से भाग कर निकलने की कोशिश करेगा. बचा कुछ थोड़ा बहुत करंट इसके पास जाएगा, तो इसके पास जो करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जा रहा है वो आई जी जा रहा है. तो बहुत मामूली सा करंट जा रहा है इसके पास, इतना जा रहा है कि बस उसको हल्का सा डिफ्लेक्ट कर देगा. गैल्वेनोमीटर का काम यही है ना, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना. तो अगर सारा ही करंट, लगभग सारा करंट अगर यहाँ चला गया, ठीक है, तो करंट मेरे पास है, सॉरी मेरे को इतना पता चल गया कि करंट ज़्यादातर इसके साथ जा रहा है. ठीक है, और इसकी शंट की जो वैल्यू है, रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है, वो हमने कनेक्ट कर रखी है. और जो ये करंट आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये करंट किसी सोर्स से आ रहा है ना, किसी वोल्टेज सोर्स से आ रहा है. ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स से जिससे आ रहा है, जिस बैटरी से आ रहा है, उस बैटरी की वी की वैल्यू मेरे को पता है. जब वी की वैल्यू मुझे पता है, और ये रेसिस्टेंस, शंट रेसिस्टेंस ये मैंने खुद ही कनेक्ट करा, रेसिस्टेंस की वैल्यू पता है, ओम्स लॉ की हेल्प से करंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है ना, तो हम एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर की तरह इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. समझ गए, तो जितना भी करंट था वो जो हम पहले यूज़ कर रहे थे, और किसी भी सर्किट में हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करके ये देखते हैं कि उसमें करंट है या नहीं. ठीक
कितना करंट है ये नहीं बता पाते, हम बस ये बता देते हैं ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, अच्छा ज़्यादा करंट, कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, अच्छा कम करंट, बस इतना बता देते हैं भाई, है कितना वैल्यू तो बता दो उसकी। तो वैल्यू बताने का बहुत आसान तरीका कि बहुत बहुत ही छोटी सी माइन्यूट वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल में कनेक्ट करना मतलब गैल्वेनोमीटर के पहले बांध दो, इधर बाद में बांध दो, तो पैरेलल में कनेक्शन हो गया और बाकी सारी चीज़ें हुई। तो उस सर्किट का जो वोल्टेज है वो तो मुझे पता ही है, ठीक है ना, वोल्टेज हमें पता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, वी इज इक्वल टू आई आर से आई की वैल्यू निकालते हैं, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर डाल के वी अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है, बस सिंपल सा इतना है और कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह इसमें नहीं। रेड कैपिटल जी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो कैपिटल जी जो है वो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। आई जी द करंट विद विच गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, आई जी उतना करंट है जिससे करंट जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर पूरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा दे, ठीक। एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस, आई माइनस आई जी करंट थ्रू द शंट, ठीक है, जो कि मेजोरिटी ऑफ द करंट है, सारा का सारा लगभग लगभग सारा का सारा करंट है आई माइनस आई जी, तो इसमें यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। एस गैल्वेनोमीटर इन शंट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, दोनों पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, ठीक है। देखिए क्या करा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर ये कैसे निकालेंगे, गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी, आई जी इनटू जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट, इसमें जाने वाला करंट आई माइनस आई जी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है एस, एस हो गया, यहाँ से एस की वैल्यू देख लो, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इनटू जी। तो कई बार ये पूछा जाता है कभी शंट आप जो है कितनी वैल्यू का लगा रहे हैं, शंट की वैल्यू निकाल ली, कई बार ये पूछा जाता है कि भाई करंट बताइए, तो करंट अगर बताना है तो आई की वैल्यू बताओ, समझ गए। और आई जी इज इक्वल टू, इसी को अगर रीअरेंज करके देखेंगे पेज नंबर 43 पर, आई जी इज इक्वल टू एस अपॉन जी प्लस एस इंटू आई, इसी को रीअरेंज करके देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए द रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू आई जी, ठीक है, एंड हेंस टू आई एज पर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन है वो आई जी के प्रोपोर्शनल होता है, कि जितना डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, और आई जी आई के प्रोपोर्शनल होता है, हम आई ऐसे निकाल सकते हैं। सो द स्केल कैन बी ग्रेजुएटेड टू रीड द वैल्यू ऑफ करंट आई डायरेक्टली, हेंस एन एमीटर इज अ शंटेड और लो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इट्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस इज, इफेक्टिव रेसिस्टेंस इसका कैसे निकलेगा, आर ए इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये समझ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर ए इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये समझ गया कैसे निकला, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये जी है वन अपॉन जी प्लस वन अपॉन एस का क्या हो जाएगा, जी एस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम बस ये। अब जरा इसके यूजेस देख लीजिए, शंट के यूजेस क्या हैं, ठीक है, तो ये मत लिख देना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करता है, ये यूज है इसका, ये मत लिख देना, आपको पता ही है। तीन यूजेस देख लीजिए क्या है, पहला है टू प्रिवेंट अ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर की औकात तो थी जरा सा करंट मेजर करने की, आपने लगा दिया बड़े ट्रांसफार्मर में उसको, गैल्वेनोमीटर के धुआं हो गया, ठीक है, तो वो काम जो है वो काम ना हो, शंट प्रिवेंट करता है उसके, शंट क्या है जरा सा रेसिस्टेंस, मामूली सा रेसिस्टेंस, तो क्या होगा वो सारा करंट अपने अंदर ही तो लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि जरा सा रेसिस्टेंस है,
तो जितना रेजिस्टेंस करूँगा सारा करंट उधर से जाएगा, तो ये जो शर्ट है ये शर्ट पिघल जाएगा, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है बच जाएगा, सही है। तो पहली चीज़ क्या है, टू प्रिवेंट अ गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड ड्यू टू लार्ज करंट। दूसरा, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ठीक है। तीसरा, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, वो भी हम शर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हम कहाँ से कहाँ तक का करंट जो है वो यूज़ कैलकुलेट कर सकते, उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से देखेंगे, जब हमने एमीटर देखा कि एमीटर को कैसे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर में आप एक शंट को पैदल में लगा दो, यहाँ क्या करा जाता है, सीरीज में लगाया जाता है जस्ट उसका वोल्ट। देखिए, अ वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग, इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। द वोल्ट मीटर शुड बी डिजाइन टू हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट में रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज को एक ही जगह इकट्ठा करके दिखा देगा कि हाँ जी पूरे सर्किट का वोल्टेज ये है। तो ये तरीका है वोल्टेज निकालने का। वोल्टेज निकालने के लिए हम कहेंगे वोल्ट मीटर कुछ इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, कि सारा का सारा एक जगह इकट्ठा करके बता दें कि हाँ जी ये वोल्टेज है आपको जो प्रोवाइड हो रही है वो ये वोल्टेज है, ठीक। अच्छा, तो द वोल्ट मीटर शुड बी डिजाइन टू हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। इन फैक्ट एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा मुझे कम मिलती है जब दोनों को सीरीज में ज्वाइन करते हैं। सीरीज में सीधे सीधे रेजिस्टेंस एड अप हो जाते हैं। तो इसमें क्या करा जाता है कि शंट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा,
r plus g. अच्छा by Ohm's law ig is equal to मैं भी बता दूंगा आपको कौन सी ज़्यादा बेटर है। चलिए जी आज इतना ही करते हैं।